हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो मैं हूँ कमलेश चौबे और हम देखने जा रहे हैं आज क्लास 9th का चैप्टर चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम स्लाइड्स पे जाते हैं, फिर इसके बाद अपन आके बात करेंगे। चैप्टर 5। चलो, वी आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन इन पांडा क्लासेस एंड यू आर वॉचिंग चैप्टर नंबर 5 और क्लास 9। ठीक है ना, आज का चैप्टर हम देखने जाने वाले हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ। पूरे बिल्कुल सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ 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 अपने को इस क्लास में अटेंटिव रहना है और कहीं भी ध्यान नहीं लगाना है। ठीक है, पूरा ध्यान का रखना है, पूरा ध्यान रखना है हमारे क्लास के ऊपर। ओके, ठीक है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना? जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब क्या हैं, हम सभी लिविंग में आते हैं, हम जिंदा है। लेट मी चेक माय पेन फर्स्ट, इट्स वर्किंग और नॉट। आई थिंक यस यस। तो हम तैयार हैं अपने चैप्टर के लिए और अपन चलते हैं सबसे पहले अगली स्क्रीन पर। ये है चैप्टर नंबर 5 है, इसका चैप्टर का नाम भी दे रखा है। मैं बार बार बोलूंगा तो आई थिंक अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अच्छा, चलो अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हमने इसको देख लिया कि चैप्टर 5 है। और चैप्टर 5 में यहाँ पर क्या था, यहाँ पर है इसका नाम है द फंडामेंटल ऑफ लाइफ। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम आगे जाएंगे। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि पिछले क्लास में कि सेल लेक्चर में फंडामेंटल और इसको आगे नहीं जाना चाहिए मेरे पूछे। हाँ, अब नहीं जाएगी, ये बोलती है सॉरी, ये भी सॉरी बोलती है। चलो, ये फंडामेंटल है, स्ट्रक्चरल है ना, ये सब हम कुछ सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो हम आगे जाएंगे, जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है उसके लिए हम आगे चल के चलेंगे। ये सारी चीज़ें हमने, ये वाली और ये वाली हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लास। ओके, चलो इसके बाद अगर हम जाएंगे इससे आगे तो क्या होगा, सब कुछ नहीं होगा। ओके, सब होगा, ये आ गया। एक्चुअल में ये भी हमने पूरा जो सेल था इसको हमने पूरा दिखा दिया था कि सेल एक्चुअल में होता कैसे। ठीक है, ये पूरा का पूरा, यार ये अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहिए ना। हमने पिछली क्लास में ये बता दिया था कि सेल होता कैसा है ना। आज हम वो चीज़ें कुछ भी नहीं बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। यहाँ पर एक न्यूक्लियस होगा सेंटर में, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पर एक लिक्विड टाइप का फिल होता है, जिसको पता है क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड है, उसमें प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा जब भी आता है ना, तब क्या है, कोई चीज़ फ्लो करती हुई जाती है। नदी में पानी है, फ्लो करती है ना, तो प्लाज्मा है। ओके, बोलते हैं LCD, बोलते हैं LED आती है ना। तो एक्चुअल में ये सारी की सारी डिवाइड में क्या होती हैं, इन सारी डिवाइस में इलेक्ट्रॉन्स आयंस वगैरह क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं, पता है। और इसमें अपन टच स्क्रीन कर देते हैं, यहाँ पर टच करेंगे तो क्या है, इसके सिग्नल यहाँ तक मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने को वहाँ पर देखने को मिलती हैं। हम जाएंगे अगली स्क्रीन पर। क्या है अगली स्क्रीन पर? हाँ, आज हमको सबसे पहली चीज, जैसे हमने आज की हमारी क्लास का नाम भी है, टॉपिक भी है कि हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द सेल्स। जैसे कि हमने पिछले हमारी जो स्क्रीन थी उस हमने क्या देखा था, पिछली स्क्रीन हमको ये बता रही थी कि भाई एक्चुअल में सेल है कैसी। ये है, हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस कर लिया था कि सेल्स होते कहाँ हैं। सेल होते हैं सारे लिविंग्स में, सारे लिविंग के अंदर हमको सेल मिल जाएंगे, क्लियर कट है। ये कहाँ कहाँ मिलेंगे हमको, ये मिल जाएंगे प्लांट में। ठीक है भाई, और
और मिल जाएंगे एनिमल में, ये भी अच्छी बात है। चलो बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे को क्या देखना है कि भाई ये सब तो है, इसकी हिस्ट्री क्या है, आज हमको ये देखना है। और उसके बाद फिर अपन देखेंगे कुछ कुछ इसमें तुम्हारे हाथ है ना, हाथ को क्या बोलेंगे, बोलो, सोचो सोचो, कुछ सोच के बताओ कि भाई ऑर्गन, तुम्हारा ऑर्गन, तुम्हारा हाथ है, इसको क्या बोलेंगे, तुम्हारी नाक को क्या बोलेंगे, तुम्हारी आंखों को क्या बोलेंगे, तुम्हारी मुंह को क्या बोलेंगे, इन सब को हम बोलते हैं ऑर्गन। तो जो सेल के अंदर ये सब चीजें हैं क्या, ये लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह वगैरह, गोल्जी बॉडी, फिर इन सबको बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। ओके, तो हम पहले तो देखते हैं हिस्ट्री के बारे में, इसके बाद हम जाएंगे अगले उसमें, जितने भी इसके ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, किस किस ऑर्गेनेलीज का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है ना। चलो उसके अपन प्लेस देखेंगे और उसके फंक्शन देखेंगे, वो देखते हैं अगले आगे थोड़ा सा। तो पहले अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो अपन चलते हैं अगली स्क्रीन पर। अगली स्क्रीन में क्या है भाई, ये तो बहुत सारा मित्रों अपने को लाना पड़ेगा स्वच्छ भारत का भी, हाँ ये बात है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम ये देखेंगे सबसे पहला काम किसने किया था, सबसे पहला काम इसमें किसने किया था, तो वो थे मिस्टर रॉबर्ट हुक। इनका नाम क्या था, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। इनने कब काम किया, ये किया इनने 1665 में। इनने एक कोई सा भी प्लांट, प्लांट था कोई छोटा सा, या वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा होगा कॉर्क स्लाइस था, उसको कट किया बारीक बारीक पीस में, कट 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 करते गए। तो क्या हुआ, इनको ऐसा देखा कि उसमें अंदर कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे थे, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये तो किसी को भी दिख जाएंगे। अभी अपन देखते हैं कुछ, किसी लकड़ी को कट करेंगे तो उसमें हमको कुछ भी स्ट्रक्चर इसमें दिख जाता है, ठीक है। लेकिन इनको ऐसे दिख गए, अब दिख गए तो क्या करें, दिख गए तो इनने बोला कि भाई साहब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना सारे के सारे, ये क्या है, ये सबके सब सेल हैं, क्लियर कट है। और अच्छा उनमें इसमें क्या क्या देखा, इनने देखा कि भाई इन सब की स्ट्रक्चर क्या होती है, एक सी होती है। तो ये सबसे पहले किसने बताया था, ये सबसे पहले बताया था रॉबर्ट हुक ने। और भाई साहब ये 10th, 9th क्लास, 10th क्लास, NTSC, NDA और कोई सा भी बड़ा एग्जाम होगा उसमें पूछ सकते हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया, ये बहुत IMP चीज है, हम इसको मार्क करते हैं अच्छे से। देखो हमारी NCERT की बुक होगी, ये हमने जो पिक्चर ये पिक लिया है ये NCERT की बुक से ही है, रेड पेन आपके पास भी होगा, इसको भैया अच्छे से मार्क कर दो। अगर आप इसको मार्क कर दोगे तो पता है क्या होगा, तो ये आपको विजुअली याद रहेगा कि मैंने कहाँ पे मार्क किया था, है ना। तो ये चीजें क्या होती हैं, बार बार एग्जाम में काम आएंगे, है ना। एक बार तो है नहीं है कि 9th क्लास में हमने पढ़ लिया, पास हो गए, इसके बाद सारा हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं रहा, नहीं भाई साहब। अपन जितनी जितना भी टाइम हमारा पास ऑन होता जाएगा, हम किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में अपियर करेंगे, कहीं भी जाएंगे वगैरह 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 वगैरह, उन सारे केस में हमको कहीं भी पूछ सकते हैं कि रॉबर्ट हुक सेल को डिस्कवर किसने किया, अच्छे से ध्यान रखना, क्या रॉबर्ट हुक ने, सो मत जाना भैया, ईसीजी बल्ब लाना। ओके, अब देखो एक तो हमने क्या किया, फिर हमारे जितने भी चीजें हैं हम देखें कि हमने कितने सिक्के, कितने कॉइन कलेक्ट किए हैं। आज की हमारी सेविंग में रॉबर्ट हुक है, 1665 है, और इनने कहाँ से फाइंड किया था इसको, कॉर्क स्लाइस से किया था, ये काम हो गया। अगला सिक्का कौन सा है हमारा, इसके बाद देखते हैं। ये देखो ये सारी चीजें एनसीईआरटी की बुक में है, तुमने देख रखी है, लेकिन कभी इन पे ध्यान नहीं दिया। फिर इनने एक और अच्छे, एक थे ल्यूबेनहॉक्स से, उनने थोड़ा सा और काम किया, और काम करने के बाद इनने माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से थोड़ा बड़ा सा माइक्रोस्कोप दिया। और इनने क्या बताया, इनने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप को लेके डिस्कवर किया कि प्री लिविंग सेल्स था। इनने वहां पर एक पानी का तालाब था, ऐसा उसमें पानी बह रहा था, उस तालाब के किनारे ये पहुंच गए, और जाने के बाद क्या किया इनने, जाने के बाद डिस्कवर किया कि भाई इस पानी में क्या है, बताओ इस पानी में क्या है, यानी इस पानी में क्या मिला। इनको वहां पर भी छोटे छोटे से कुछ ऑर्गेनिज्म मिल गए और छोटे छोटे से कुछ सेल मिल गए, ठीक है ना। तो इनने बोल दिया, इनने एक्चुअल में पहले उसको सेल नाम नहीं दिया, पहले तो ये सब चर्चा करते रहे, डिस्कस होता रहा कि भाई वो छोटा छोटा कुछ होता है, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। बाद में फिर आया कि हाँ भाई जो छोटा छोटा दिख रहा था ना, वो छोटा छोटा क्या है, वो छोटी छोटी चीज थी, वो सेल हो गई, ठीक है ना, ये हो गया है।
अभी हम देखें हमारे कॉइन्स कलेक्ट करें तो ये सारे अगर हमने आगे जाके कभी भविष्य में हमने खेला, क्या हम भी खेलेंगे केबीसी, हम भी बनेंगे करोड़पति, बनेंगे ना करोड़पति? अगर हम करोड़पति बन गए और हमने केबीसी खेल लिया, ये क्वेश्चन वहां भी आ सकता है। हो सकता है कि पांडा क्लासेस में कभी तुम्हारे लिए क्विज वगैरह ऑर्गेनाइज कर दें, और उससे ऐसा हो सकता है कि उससे हमको कुछ बेनिफिट भी मिल जाए कि क्विज में जीतने बाद हम कुछ प्राइज होगा वगैरह 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 वगैरह, ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो ये हमको काम आएंगे। देखो ये तो 2 in 1 हो रहा है, ये हमको यहाँ तो काम आ ही रहा है, ये सारी चीजें हमको भाई क्लास में तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हमको दूसरे बेनिफिट भी देखे जा सकती हैं, है ना? आम के आम और रोटियों के नाम सुना? एक कहावत है बहुत पुरानी हमारे टाइम में थी कि आम भी खा सकते हैं वगैरह, उसका मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये है। ठीक है हम चलते हैं। ये हमने इसमें क्या देखा, 3 चीजें। नंबर 1 रॉबर्ट हुक देखा, फिर हमने लीवेन हॉक देखा, तीसरा देखते हैं, तीसरा इसमें हीरा कौन है, तीसरा हीरा भी रखा हुआ है रॉबर्ट ब्राउन। मैं तुमको ये बताता हूँ, बता रहा हूँ पढ़ना कैसे, पढ़ते तो सब हैं, सबके पास बुक है, लेकिन सब क्या है, सबके सब हीरो थोड़ी ना है तुम्हारे जैसे। ठीक है तो सब में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, लेकिन भाई हम लोगों को करना क्या है, हमको इसमें दिखाना है कि हम इसमें सबसे अच्छे तो हम ही हैं, बाकी सब ऐसे ही। रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया, तो 1831 में किया। क्या किया इनने, बताया कि भाई इनने एक नई चीज बता दी, इनने बोला कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी सबने ये बताया कि ऐसी सेल होती है, बाद में इनने रॉबर्ट ब्राउन ने ये बोला हर सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, बहुत अच्छी बात बता दी इनने। फिर इसको हमने इसी के बेसिस पे इस पूरे ऑर्गेनिज्म को, पूरे किंगडम को डिवाइड किया 2 पार्ट, है ना? एक में कौन से आए हैं, एक में वो सेल्स आए हैं प्रोकैरियोटिक, जिसमें प्रोकैरियोटिक है, ये कलर मैच कर गया इसकी वजह से, है ना? एक होता है यूकैरियोटिक, है ना? यूकैरियोटिक, दोनों में रियोटिक तो है ही, ये प्रोके है यूके है, प्रोके का मतलब होता है कलर चेंज करता है, प्रोके का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल। तो यहाँ पर जितनी भी सेल आएंगी ना वो क्या है, प्रिमिटिव है, और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे सेल कैसी है, वो है डेवलप्ड। अगर डेवलप सेल होंगी तो क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर होगा टिपिकल, वेरी टिपिकल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैन और वुमेन, दोनों बहुत टिपिकल है। ऐसा मत कहना भाई घर में लड़ाई हो जाएगी, मेरे घर में ऐसा कुछ मत बोलना, ठीक है ना? मतलब ये सारी चीजें क्या है, ये बहुत सारी एक सेल से नहीं बनी है, ये सब मिलके बनी है मल्टी सेल से, इसलिए इनको हम बोलते हैं कि ये टिपिकल है। हम लोग क्या है, हम मल्टी सेलर हैं, मल्टी सेल से मिलके बने हैं, एक के से ज्यादा सेल हमारे इसमें आ रही है, ठीक है? और कुछ क्या होंगे, सिंपल वाले हैं, सिंपल में बताऊंगा अभी, है ना? एक बात बता, सिंपल में एक बहुत IMP नाम आएगा जिसका नाम है अमीबा, ठीक है? अभी हम वो भी देखते हैं, अभी वो पानी मिलता है ऐसा सा गंदा सा टाइप का, थोड़ा सा छोटा मोटा सा यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं उसे, अरे वही है ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना? ये सबसे, ये एक ही सेल, ये पूरा एक सेल से बना है, इसकी पूरी बॉडी में एक ही सेल काम आ जाती है, और हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में इतने सेल हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस, इतनी भाई गिनती तो मुझे आती नहीं। अगर कोई बड़ा बड़ा से बड़ा गणितज्ञ भी होगा ना, वो लगातार गिनता चला जाएगा ना, तो बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो हम अभी नहीं करेंगे ये काम, अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है ना? अभी हमको देखना है एग्जाम। इसके बाद अपन देखें रॉबर्ट ब्राउन के, अगर रॉबर्ट ब्राउन के बाद क्या है, रॉबर्ट ब्राउन के बाद था एक पुरखिंजे आए थे भाई साहब, पुरखिंजे ने बोला कि प्रोटोप्लाज्म नाम की चीज होती है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, अरे भाई सेल में लिक्विड भरा हुआ है ना, वो प्रोटोप्लाज्म। फिर क्या हो गया कि सबसे IMP चीज और एक जो आएगी वो आएगी ये, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं सेल थ्योरी। ये पूछ लेते हैं भाई लोगों कि इसको किसने डिस्कवर किया, इसको एक नहीं है, इसको 2 भाई थे, मतलब तो भाई थे या भाई भाई थे, ठीक है ना? तो भाई ने क्या पढ़ाया, भाई ने बताया कि सेल थ्योरी को किसने डिस्कवर किया है। तो हम देखें तो सेल थ्योरी को, हमारी सेल थ्योरी डिस्कवर की गई कौन से भाई के द्वारा, एक भाई कहाँ गया भाई,
जरा ढूंढो, मैं देखता हूँ तुम लोग किस काम के हो। तब तक मैं थोड़ा चश्मा लगा के देखता हूँ, चश्मे से कुछ अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे वाह, अरे वाह, अच्छा लग रहा है यार, थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी देखते हैं। वैसे भी हो कोई शक। तो हम क्या देख रहे थे, हमने देखा कि सेल थ्योरी है। अब सेल थ्योरी पता है क्या है, सेल थ्योरी को किसने दिया है, वो दो साइंटिस्ट के नाम पता करने, वो अपने को बहुत काम आएंगे। और ये भी हमको स्लाइडेन एंड श्वान, ये दो हैं। मैं इसको एक बार दूसरे कलर से भी इसको मार्क कर दे रहा हूँ, एक है स्वान और एक है स्लाइडेन, दैट्स इट। ये पूरे पेज में हमारा यही काम था। एक और इसमें खास चीज है, वो क्या है, वो ये है कि इनने भाई साहब ने ये बताया कि कोई सी भी सेल हो दुनिया में, क्या है ये, मान लो कि सेल है दुनिया में, कोई सी भी सेल हो वो हमेशा एक दूसरी सेल से बनती है, फिर उससे एक सेल बनेगी, उससे एक और सेल बनेगी, उससे एक और सेल बनेगी। एक नहीं किया, दो बन जाएंगे, दो से फिर चार बन जाएंगे, चार से आठ हो जाएंगी। उसने ये कहा कि जो भी सेल बनती है वो किसी प्रिमिटिव सेल से बनती है, हमारे जैसे, है ना, जैसे बच्चे कहाँ से आए, मम्मी पापा से आए, और मम्मी पापा के भी मम्मी पापा होते हैं, बोलते हैं दादी नानी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर वगैरह वगैरह। तो क्या हो रहा है, एक जनरेशन के बाद एक अगली जनरेशन आती है ना, हमारी जनरेशन है, फिर अगली जनरेशन आ गई है, उसके बाद और अगली जनरेशन आ जाएगी, उसके बाद और भी आ जाएंगी। तो ये तो क्या हो रहा है, ये तो मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं। सेम एज किसने कहा था, सेम एज कहा था जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, मैं इसको एक बार फिर से मार्क कर दे रहा हूँ, इसको अच्छे से देख लो, इसको गौर से देख लो, ताकि है ना हमको ये कभी भी ये क्वेश्चन परेशान ना कर पाए। ये क्वेश्चन तो ये समझ लो कि ये तुम्हें आज से लेके क्लास 12th तक काम आने वाला है, इज इट क्लियर। तो अगर कोई चीज़ हमको बार बार काम आने वाली है, हम ध्यान से अभी इसको देख लें, इसको नोट डाउन कर लें कॉपी में, ठीक है ना। तो ये शिला, एक तो स्वान है और एक और है भाई साहब, इनका नाम है स्लाइडेन। मैं ऐसा करता हूँ ताकि दोनों दिख जाए, एक स्लाइडेन कट गया यार, एक हो गया है स्लाइडेन और एक क्या है श्वान, ये दो साइंटिस्ट हैं। इनने क्या दिया, इनने दी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या बताती है, वो ये बोलती है कि जितनी भी सेल आई हैं, सेल आई है सेल से, सेल आई है सेल से, ठीक है ना। मतलब कोई बच्चा है तो उसके माता पिता जरूर होंगे, कंफर्म। ये इसमें क्या लिखा है, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये पेज तुमको यहाँ से कटिंग निकाली है, ये अपने को एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा एज इट इज। इसमें लिखा है कि मोर टू नो, हमको इतना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि तो इनमें से कोई सी भी चीज छोटी से छोटी एक बार एग्जाम में आ जाएगी तो फिर हमारा तो क्या है, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो हमको सारे नुकसान को कवर करते चलना है, इसको अच्छे से पढ़ते चलना है, इसको याद भी करना है, ठीक है ना। चलो हाँ, तो हम चलते हैं इसके बाद एक अगली स्क्रीन पर, इज इट क्लियर। देखते हैं अगली स्क्रीन में क्या है। मित्रों बोर्ड को साफ करो, कर दिया सर। चलो आगे बढ़ते, क्या है ये पता है क्या है, अरे भाई हमारे आसपास दुनिया में बहुत सारी चीज है, सब बड़ी परेशान है, लेकिन सबके पास है, सबकी जेब में पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं और परेशान है, ऐसा होता है क्या, ठीक है ना। तो दुनिया में जो कुछ भी हमको दिखता है, ठीक है, वो क्या है, सब कुछ सेल से मिलकर बना है। सेल एक्चुअल में कहाँ से आता है, सेल आता है एक लिविंग चीज से, कि लिविंग का मतलब ही सेल है ना। अगर वो लिविंग नहीं है तो क्या होगा, तो वो सेल उसमें अंदर हो ही नहीं सकती, क्योंकि लिविंग सेल तो क्या करती है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिस स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है, पिछले क्लास में हम देख चुके थे, स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट है किसकी, पूरी किसी भी बॉडी की,
बॉडी हो सकती है मेन मेन वुमेन एलिफेंट डैग डॉग कैट। सिर्फ अपने को लिविंग लेना है, नॉन लिविंग नहीं लेना है, ठीक है? नॉन लिविंग में जाएंगे तो फिर वो बन जाएगा मैटर, वो चला जाएगा केमिस्ट्री। चलो तो यहाँ पर इतने सारे सेल दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं जरा देखो। एक दे रखी है, अरे यार ये अपने आप से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बाय 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 बाय। चल भाई ठीक है, मेरी बात नहीं माने करे, ये आगे जा रहा है, मैं तो पीछे ले जा रहा हूँ। ये यहाँ पर सारी सेल दे रखी है, सारी एनसीईआरटी की बुक भी दे रखी है। क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है कि भाई ये स्मूथ मसल सेल है, हमारी बॉडी की जो मसल होती है, मसल इनमें क्या है, ये वाली सेल रहती है। और ब्लड सेल्स होती हैं, हर इंसान जाता है, उसकी बॉडी में बहुत सारा ब्लड है और वो हमेशा ट्रांसपोर्ट करता रहता है, वो हमेशा दौड़ता रहता है यहाँ से वहाँ तक, है ना? तो दूसरी ब्लड सेल्स हो गई हैं, फिर एक नर्व सेल होंगी, ये नर्व सेल लिख रही है नर्व सेल का काम क्या है? ये होता है एक तरह का सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, एक सेंसरी ऑर्गन होता है, कोई हमको हमारे पैर में पिन चुबा दे, हमको पता चल जाएगा किसके थ्रू, इसी के थ्रू। यहाँ से क्या होगा, कोई पिन चुबाएगा ना तो यहाँ पे आएगा उसका करंट का मैसेज, ये जाएगा यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से ब्रेन में चला जाएगा, ब्रेन कहेगा कि भाई पिन कौन चुबा रहा है, उसमें दो चांटे मार गया फटाफट, तो हमारा हाथ वहां से एक मैसेज हाथ में जाएगा, हाथ उसको उठाएगा चांटे और दो तीन मार मुड़ के घर पहुंच जाएगा, ठीक है ना? तो जिसमें क्या बोल रहे थे, इन सबको हम सेल बोल सकते हैं जो ऐसे तरीके से काम करते हैं। ठीक है ना? तो ये हमने इतनी सारी जो बुक में दे रखी थी, बहुत सारे टाइप के सेल्स भी हमने यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है ना? एक तो गई हमारी स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, फैट वो फैट सेल, बोन सेल, स्पर्म और ओवम। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम ये देखें, एक जो स्पर्म है ये तो क्या है, ये सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल का स्ट्रक्चर। स्पर्म को मैं और दिखाऊंगा और अच्छे से, ये बना हुआ है स्पर्म और ये बना हुआ है ओवम, ये सिंगल स्ट्रक्चर है, ये आपस में करते हैं, ये आपस में मैच करते हैं, मिल जाएंगे तो मैटिंग, तो उससे क्या होगा, उससे फिर ये बना देगा एक लेयर जिसको बोलते हैं अंडा, जिसका नाम है जाइगोट, ठीक है ना? तो अंडा जाइगोट बन जाएगा, ये भी सिंगल सेल है। फिर यहाँ से क्या होगी, सेल में डिवीजन शुरू होगा, फिर डिवीजन, फिर डिवीजन, फिर डिवीजन, फिर डिवीजन, और फिर बाद में क्या होगा, बाद में कोई भी इसमें चाइल्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर वो ग्रो करेगा धीरे धीरे, बड़ा हो जाएगा हमारी तरह। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरह से हमने देखा एक पुराने सेल से एक नई सेल बन गई। ये किसने कहा था, ये कहा था स्वान और स्लाइडेन ने सेल थ्योरी में कहा था, ठीक है? आगे चलते हैं अपन, इसे मैं तुम्हें बताता हूँ, सबके सिंगल सिंगल फोटो बताता हूँ, ठीक है ना? सिंगल फोटो कैसे बताएंगे भाई भाई भाई, इतने धमाकेदार फोटो तुम लोग इससे देख के खुश हो जाओगे, खुश होने के बाद देखना जरा मेरी थोड़ी तारीफ कर देना यार, ठीक है ना? चलो मत करना, तब भी चलेगा, और तुम लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेना यार भाई। ये है अनियन पील, ठीक है? अनियन पील दे रखा है, अनियन पील में क्या होगा, इसमें बहुत सारे इसकी स्टेनिंग कर देते हैं, स्टेनिंग करके इसके अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर दिख जाते हैं, सेम लाइक सेल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें। अनियन के बाद हम चलेंगे थोड़ा सा, अनियन तो हर किसी के घर में है,
हम घर में भी इसकी स्टेनिंग कर सकते हैं और हमको उससे स्टेनिंग से हमको क्या होगा, इसके जो सेल की स्ट्रक्चर है, जो कंपार्टमेंट है, वो हमको इजीली दिखाई देंगे और हमको पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअल में जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, ये देखो स्पर्म हमने उस बुक में देखा था, एक छोटी सी पिक्चर थी स्पर्म की। यहाँ पर हमारे पास स्पर्म एक बड़ा सा क्लियर कट दिख रहा है, इसमें एक हेड होता है, एक टेल होती है। ये देखो बहुत सारे स्पर्म आते हैं, बहुत सारे स्पर्म आते हैं, जब इनका मैट होता है, कॉम्बिनेशन होता है ना, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बहुत सारे इसमें स्पर्म आके इसमें ट्राई करते हैं कि हम यहाँ पर फ्यूजन कर दें। लेकिन फ्यूजन क्या है, कई बार पॉसिबल नहीं होता है, और फ्यूजन पॉसिबल नहीं होता क्या हो जाएगा उस केस में, तो फिर कुछ होगा नहीं। अगर फ्यूजन पॉसिबल हो गया तो उस केस में क्या होगा, फिर उस केस में जाकर ये जायगोट बनेगा। इसको अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये स्पर्म है, स्पर्म में क्या होगा, एक हेड टाइप का होता है, पीछे एक टेल होती है, यहाँ पे एक ओवम होता है, इसको बोलते हैं स्पर्म। यहाँ पर एक ओवम हो जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये अकेला नहीं होता है, देखो तो कितने सारे दिख रहे हैं, 1 2 3 4, बहुत सारे इस पर अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद क्या है, जब इनका ये इसमें जब ये फ्यूज हो जाता है तो ये इसका हेड इसमें चला जाएगा और इसकी जो टेल है वो डिजर्व हो जाएगी। फिर यहाँ पे बन जाता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, जाइगोट। और ये जाइगोट करता क्या है, ये जाइगोट बनाता है बेबी या बाबा वगैरह 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 बच्चों को ये बना देता है, और फिर आगे जाके जो भी है प्रोसेस वो चलता रहता है। तो स्पर्म क्या हो गए हैं, स्पर्म हो गए हैं सिंगल सेल स्ट्रक्चर, ओवम क्या हो गया है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर। और ये जब आपस में डिवीजन होते जाएंगे लगातार, तो डिवीजन 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 होते होते नए सेल बनेंगे, और नए सेल बनाते बनाते आगे जाके ये एक पूरा एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म को मतलब तैयार कर देंगे। ठीक है ना, ये है। अब चलते हैं पर और आगे, और किसको दिखा रहे हैं अपने पास, और क्या है, वाओ ब्लड, हमारे खून में पानी है, नहीं है हमारा खून खून है, तुम्हारा खून पानी, ऐसा सुना है, लेकिन भाई हमारा ब्लड तो बहुत मजेदार है। ठीक है, कैसा दिखता है ब्लड, उसका रंग तो लाल होता है। तो अगर किसी से बात करोगे तो पता है वो क्या बोलेगा, वो बता सकता है कि भाई ब्लड का कलर तो रेड है, तो ठीक है भाई होने दो रेड है। हम पूछें कि रेड किसकी वजह से, तो इसके बाद अगर उसने कुछ बताया तो फिर मैं मानूंगा रेड होता है ब्लड, होता है आयरन की वजह से। ठीक है, और बाकी इनको अपन कई बार पानी में रख के देखेंगे तो ये क्या होगी, ये फूल जाएगी, जैसे क्या बोलेंगे वो जो टर्म आएंगे वो आगे आएंगे, तो हम उनको ऑस्मोसिस डिफ्यूजन उनको आगे जाके ही डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देख लें कि एक ब्लड सेल है और इसमें आती है, देखो ब्लड तो पूरी बॉडी में है, क्योंकि सेल हमारी क्या है, सेल हमारी बॉडी की फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो क्लियर, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, फैट सेल्स आ रहे हैं, हमारी बॉडी में फैट जमा हो जाता है, बहुत सारे लोग इसमें मोटे हो जाते हैं, तो वो कहाँ से काम आएगा, वो यहीं से काम आता है, और ये आपस में किसी भी ऑर्गन के साथ अटैच भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन, और आगे बढ़ाते हैं इसको, फैट सेल है, मसल सेल, हमारी बॉडी में इतनी मसल है, वो सेल किस पे करेंगे इस पर डिपेंड करते हैं कि मसल कैसी होती है ना, मसल पावर नहीं होता। हाँ, तो ये भी एक स्मूथ प्रोसेस है। आगे चलेंगे, टाइप्स ऑफ सेल, ये एक काम की चीज़ है, इस पे हमारे एग्जाम में डिफरेंस पूछ सकते हैं स्कूल वाले कि इनके डिफरेंस बताओ, एक कैसा है, एक है यूनिसेलुलर, और यहाँ पे क्या होता है, इसे होता है मल्टी सेलुलर, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है,
यूनिसेलर कौन से होते हैं? यूनिसेलर में एक सबसे आईएमपी आएगा, इसका नाम है अमीबा। बच्चों एग्जाम में डायग्राम बनाना सकता है अमीबा का, अपने को बिल्कुल नहीं घबराना है, हमको जो तुम्हारी मन में आए ना वैसा बना देना। ये कोई फिक्स नहीं है, इसको कॉपी मत करना, जहां भी तुम्हारा मन करे ऐसे इसके एक स्ट्रक्चर बना देना, बीच में एक न्यूक्लियस रख देना, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ी मोटी चीज एक आध वैक्यूल बना देना, एक गोला ऐसा बना देना जैसे बोलेंगे वैक्यूल। अब इसके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म तो हो गए थे, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म वगैरह वगैरह। ठीक है, साइटोप्लाज्म एक्चुअल में होता है ग्रीन लीव्स में, जहां पर हरा हरा होगा ना वहां पर भी इनको साइटोप्लाज्म मिलने जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है यार, इसकी बात सुन लो। कह रहा है कि सम ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टिट्यूट बाय सिंगल सेल, कुछ तो सिंगल सेल से बने होते हैं, जैसे अमीबा दे रखा है, पैरामीशियम, पैरामीशियम होता है ऐसे चप्पल चप्पल से पेस्ट होता है। ठीक है ना, ये कंडीशन है। मल्टी सेलर में क्या हो रहा है, मल्टी सेलर में आ रही ह्यूमन बींग, मैंने पहले ही बताया था, ये टिपिकल बॉडी होती है, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार नहीं है, कई बार कोई बीमार हो गया है, कभी कुछ हो गया है, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, और वर्कआउट करने से फिर क्या होगा, वर्कआउट करने से फिर धीरे धीरे वो उसकी मसल भी अलग साइड से हो जाएंगी, वगैरह 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 वगैरह। आगे चलते हैं अगली स्क्रीन पर, अगली स्क्रीन हमसे कुछ कह रही है, क्या कह रही है भाई, इसने तो बता दिया कि अमीबा होता कैसा है। कभी कोई बच्चे अमीबा का डायग्राम बनाए है ना, वेल लेवल डायग्राम ऑफ अमीबा, तो हमको इसकी पूरी कॉपी नहीं करना है, जहां तुम्हारा हाथ जाए उसको ऐसा बना दो। इसका नाम ही क्या है, इसका नाम है स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है झूठे कहीं के, इसका मतलब होता है झूठा, और पोडिया का मतलब होता है। ठीक है, स्यूडोपोडिया में क्या रहा, स्यूडिया में झूठा हो गया है, और पोडिया का मतलब होता है, पोडिया का मतलब होगा पैर, पैर का मतलब होगा लेग ना, तो इंग्लिश में अगर हम लिखें तो पोडिया मतलब होता है लेग। ये कंडीशन इस पर आएगी, ये प्रिमिटिव सेल है। अब क्या है, जब हमने पिछले स्क्रीन पे अपन ने क्या देखा था, पिछली स्क्रीन में हमने ये देखा नंबर 1 को, ये एक तो यूनिसेलर होती है, एक मल्टी सेलर होती है। यूनिसेलर में क्या होगा, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जैसा अमीबा का था, और मल्टी में क्या होगा, मल्टी में तो ह्यूमन बॉडी आएंगी, ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, उनको एकदम से बताना पॉसिबल नहीं है, उसके पास आईज हैं, ह्यूमंस में क्या आंखें होती हैं, आंखें देखने का काम करती हैं, और हम देखें तो हमारे रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास नाक है, मुंह है, लंग्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई जो ह्यूमन बींग्स है वो किस में जा रही है, मल्टीपल में जा रहे हैं। और क्या दे रहे हैं, अमीबा है, एक और है पैरामीशियम, पैरामीशियम से ऐसा लग रहा है कुछ चप्पल के जैसे, एक चप्पल का शेप बना लो, मन में ध्यान रखो अपने बन जाएगा। इसमें सिर्फ ये देखना है कि इसका जो लोकोमोशन होता है, इसका जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन का मतलब क्या है, लोकोमोशन का मतलब होता है चलना। अगर ये चलता है, लोकोमोशन भाई साहब, अगर ये चलता है ना, तो इसके चलने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सीलिया, ध्यान रखना, दिख रहे हैं आपको हेयर टाइप हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सीलिया। बाकी अगर तुमने कुछ नहीं बना पाए, एक चप्पल बना के आ गए और ऊपर ऐसे सीलिया बना दिए, तब भी एग्जाम में वो कंसिडर कर सकता है एग्जामिनर को, है ना। और हम दो चार ऐसे गोले बना देना, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक डाल देना, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है हमारे बाहर बॉडी की बाहर का सरफेस का, है ना, एरिया, जो भी होगा वहीं से लेके चलेंगे। ठीक है ना, चलो आप ये
ये देखना है कि अब हमने ये देख लिया कि इसकी हिस्ट्री देख ली, इसकी बेसिक फंडामेंटल देख ली है। अगली क्लास में हमको देखना क्या है, अगली क्लास जो हमारी आएगी इसमें हम इन सबको देखेंगे। सेल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, हमने बोला था ना हमारे हाथ क्या है, ऑर्गन है, हमारी नाक क्या है, ऑर्गन है, हमारे पैर क्या है, ऑर्गन है। तो जैसे हमारे ऑर्गन है ऐसे सेल के उन्हें बोलते हैं क्या है, ऑर्गेनेलीज। स्पेलिंग अगर नहीं याद हो तो अच्छे से पढ़ लेना, ऑर्गेनेलीज, LES, ऑर्गेनेलीज। ओके, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक, न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, सेल वॉल, जीवी, गोल्जी एपरेटस, ये सारे के सारे जो टर्म्स आज जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं, आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम इन सबको एक एक करके पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास के इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे हम एक धमाकेदार सेशन के साथ वंस अगेन। विल मीट अगेन इन आर क्लासेस, पांडा क्लासेस। ओके, लेकिन आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। बेटा जाने का मन तो नहीं करता, ऐसा लगता है कि पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन आपको तो लग रहा होगा कि सर जा बहुत देर हो गई है, हमको भी खाना खा रहा है ना, हमको खाना खाना है ना, ठीक है, हमको डिनर करना है वगैरह 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 वगैरह। अभी अभी दशहरा हुआ है, इसकी कुछ मिठाई बची है, मिठाई भी खाना है, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केस में तुम लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है, और छुट्टी को एंजॉय करो वगैरह 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 वगैरह। चलो। फोटो हमारे यहाँ बन जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगली क्लास में सब जो आज मैंने कराया है सब अच्छे से पढ़ के आना, एक बार हाथ से लिख लेना, एक डायग्राम बना लेना, थोड़ी क्या है और तुम्हारी इंटरेस्ट डेवलप करेगा और तुम्हें काम भी आएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे अगली मीटिंग में।